दोस्तों, एट अनादर हॉल ऑफ फेम इंटरव्यू में आपका स्वागत करना चाहूंगा। आज मेरे साथ में सतीश जी है, उनका मार्शल आर्ट एकेडमी है। और दोस्तों, स्टोरी जो है इंस्पायरिंग है। लोकल बिजनेस, लोकल ट्रेनिंग क्लासेस लेते हैं, कराटे, मार्शल आर्ट्स। और बिजनेस चालू करने से पहले रेवेन्यू कम था, क्लाइंट कम थे, अलग अलग एजेंसीज ट्राई कर रहे थे और ग्रोथ नहीं हो रहा था। नाउ मैं उनका ब्रेन लेने वाला हूँ। रिसेंटली जैसे मैंने डिस्कस किया अराउंड उनका जो रिटर्न है, आरओएस, जो रिटर्न ऑन मार्केटिंग स्पेंड इज मोर देन 8x, 7x, 10x के ज्यादा है। सपोज 3-4 लाख रुपए अभी तक इन्वेस्ट किया है, 20-25 लाख से ज्यादा रेवेन्यू अभी तक क्रॉस किया है लास्ट 1 ईयर के अंदर। लेकिन मैं दोस्तों, उनका एक दिस इंटरव्यू आपको क्यों देखना चाहिए। इफ यू आर समबडी, आपका भी छोटा बिजनेस है, मतलब कोई भी ट्रेनिंग, कोचिंग, कंसल्टिंग क्लासेस और वट एवर यू वॉन्ट टू सेल ऑनलाइन, ज्यादा कस्टमर चाहिए, लीड चाहिए, तो मैं इनका ब्रेन लेने वाला हूँ। क्या क्या डिफिकल्टीज फेस किए, क्या स्ट्रेटेजी यूज कर रहे हैं, और आप भी बहुत कुछ सीख सकते हैं। सतीश जी, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बधाई, और मैं आपको इंटरनेट ट्रैफिक गुरुकुल थैंक यू। ऑफिशियल जो प्रॉफिट मेकर हॉल ऑफ फेम है उसमें आपका स्वागत करता हूँ। तो टेल अस लिटिल बिट अबाउट यू, मतलब आप कहाँ से हैं, क्या करते हैं, आपका थोड़ा बैक स्टोरी, क्या क्या दिक्कतें फेस की और हाउ यू गॉट द ट्रांसफॉर्मेशन। वेलकम। सर थैंक यू, आपने मुझे इतना टाइम दिया। मैं चंडीगढ़ से हूँ सर, मेरी मार्शल आर्ट्स की एकेडमी है। तो हम लोग अलग अलग जगह पे स्कूल्स में मार्शल आर्ट सिखाते हैं, मॉर्निंग के टाइम में भी, स्कूल टाइमिंग में भी, और इवनिंग टाइमिंग भी हमारी क्लासेस चलती है। बहुत सारी प्रॉब्लम आती है सर, जैसे ऑफलाइन हम मार्केटिंग करते हैं, फ्लायर पंपलेटिंग करते हैं या डोर टू डोर मार्केटिंग करते हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत है और रिजल्ट बहुत कम है उससे। तो आपका जब मैंने प्रोग्राम देखा उसके बाद में ना मैंने ट्राई किया, तो थोड़ा तो मुझे स्टार्टिंग में मुश्किलें आई क्योंकि इतना ईजी नहीं है सब कुछ समझना। थोड़ा रिसर्च किया तो उसके बाद मुझे रिजल्ट बहुत ज़्यादा अच्छे मिलने लगे हैं सर। तो स्टूडेंट अब पहले स्टूडेंट जाने की रेशियो ज़्यादा थी, अब स्टूडेंट आने की रेशियो जो है वो ज़्यादा है। हाँ, जाते तो है ही है लेकिन काफी अच्छे से अब बढ़ते जा रहे हैं स्टूडेंट, नए भी कस्टमर आ रहे हैं बहुत सारे, नया कस्टमर आ रहा है रेगुलरली सर, दैट्स इससे गुड। एकेडमी जो है काफी अच्छा रेवेन्यू हम जनरेट कर पा रहे हैं सर। ओके, सो क्या क्या डिफिकल्टीज आप फेस कर रहे थे बिफोर कम्युनिटी, बिफोर माय ट्रेनिंग प्रोग्राम? आपने क्या क्या ट्राई किया, क्या क्या चैलेंजेस फेस कर रहे थे, योर जर्नी लिटिल बिट, वो सर थोड़ा बैक स्टोरी जानना सबसे चाहेंगे। सबसे पहली बात तो सर, आपके ट्रेनिंग से पहले जो ऑफलाइन चलता है वो ईमानदार तो एम्प्लॉयज मिलते नहीं, आपको पता है। तो इसमें बड़ी प्रॉब्लम होती है हमें कि लोग काम नहीं करते हैं अच्छे से, जा भी रहे हैं तो रिजल्ट्स नहीं आ रहे, क्योंकि फ्लायर का जमाना गया सर। अब पंपलेटिंग ये सब डोर टू मतलब डोर ये सब बैनर, चीजें फ्लायर, पोस्टर, रैटो के पीछे, रिक्शा के पीछे, वो जमाना जा चुका है। ये जा चुका है सर। हाँ, इससे बहुत ही कम रिजल्ट आता है सर। ओके, ऑल राइट, व्हाट एल्स, और क्या? और सर बस मुझे तो यही है कि डिफिकल्टीज तो कुछ खास नहीं, आपकी ट्रेनिंग के बाद इतनी ज्यादा मुझे प्रॉब्लम्स नहीं आई, उससे पहले तो सारी डिफिकल्टी थी क्योंकि स्टूडेंट आ ही नहीं रहा एकेडमी में, तो सरवाइव कैसे करेंगे। सर्वाइवल इश्यू, प्रॉफिट इश्यू, रेवेन्यू इश्यू, और क्या बदलाव आया रिसेंटली, लाइक लास्ट 3-6 मंथ में, व्हाट हैपन इन योर बिजनेस, आप सर क्या क्या बदलाव, ट्रांसफॉर्मेशन आया है? हाँ जी सर, बहुत ज्यादा बदलाव आया है मार्केटिंग की, जो मेरा देखने का व्यू है कि मार्केटिंग कैसे करनी चाहिए, क्या-क्या चीजों को हमें समझना चाहिए, ये चीजें आपसे सीखने को मिली हैं कि किस तरह की स्ट्रेटेजीज हम बना सकते हैं। अभी भी बहुत सारी कमियां हैं लेकिन फिर भी मैंने बहुत अच्छा ग्रो किया आपके टीचिंग के बाद। व्हाट हैपन, क्या ग्रो किया आपने, कितने कस्टमर, कितने क्लाइंट्स, हाउ मच यू स्पेंड ऑन द एड्स, रिटर्न्स और एवरेज रिटर्न अंदाजे? हाँ जैसे सर पहले ना मेरे पास में 100 या 120 स्टूडेंट रह गए, अभी हमारे पास में 250-300 स्टूडेंट, और सीजन में ज्यादा भी बढ़ता है, 400 स्टूडेंट, 450 स्टूडेंट भी हो रहा है। तो इस तरह से ये तो बहुत अच्छा मेरे लिए काम किया इसने और तो रेवेन्यू वाइज बात करेंगे हम लोग तो, सर। रेवेन्यू वाइज तो जो टीचिंग से पहले था नॉर्मल ब्रेड बटर ही चल रहा था, अभी काफी अच्छा हमने ग्रो किया है और बहुत अच्छे स्टूडेंट आ रहे हैं। मैंने 3 लाख के आसपास स्पेंड किया था और ओके, मुझे बढ़िया, 25 लाख से ऊपर का मुझे लगा कि हमें उससे फायदा मिला है। ग्रेट ग्रेट। सो मैं थोड़ा सा आगे बढ़ूंगा, वन सेकंड। पहले तो आपको बधाई हो सतीश जी, ओके, हॉल ऑफ फेम में, आपको हॉल ऑफ फेम में ऐड कर रहा हूँ। ओके बढ़िया, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं थोड़ा आगे क्वेश्चन पूछना चाहूंगा आपको कि बॉस, व्हाट वाज दैट ट्रिगर, मतलब मेरे कहने का मतलब है कि वो कौन सा वो ट्रिगर था कि यार आपने वो डिसीजन ले लिया कि मेरे को, पहली चीज ये बिजनेस जो कर रहे हो क्यों कर रहे हो, एंड कौन सा वो टर्निंग पॉइंट था, ट्रिगर पॉइंट था कि यार इनफ इज इनफ, बस हो गया, मैं अभी मेरे मार्केटिंग का, बिजनेस ग्रोथ का, एडवर्टाइजिंग का चार्ज खुद सीखूंगा, खुद चार्ज लूंगा। क्या वो रियल रीजन था, क्या वो पेन थे, क्या बैक स्टोरी थी, वो थोड़ा जानना चाहेंगे हम लोग। सर देखो, मैं ना 2002 से एकेडमी चला रहा हूँ,
बहुत लंबा समय मुझे हो गया ट्रेनिंग, मतलब 20 साल हो गए ऑलमोस्ट, बहुत 22 हो गया। साल हाँ जी हाँ, तो ऑफलाइन में तो मैंने करके देख लिया था कि कोई फायदा नहीं है, तो बहुत ही मुश्किल से मैं सर्वाइव भी कर पा रहा था। तो एजेंसीज के पास भी मैंने जाके देख लिया, फ्रेंड्स के पास भी जिन्हें नॉलेज थी, तो कोई फायदा नहीं है सर, मैंने देख लिया कोई फायदा नहीं है। और मैं ढूंढ भी रहा था बहुत दिनों से, मैं ढूंढ रहा था कि कोई मुझे ऐसा पर्सन मिले, कोच मिले, जो जिनसे मैं बात कर सकूं, जो मेरी मेरी प्रॉब्लम को समझ सके, मेरी एकेडमी में मुझे क्या रिक्वायरमेंट है इन चीजों की। तो आपकी एक एडवर्टाइजमेंट मैंने देखी, तो 1 साल तो मैंने इग्नोर ही किया था सर, यार एक साल इग्नोर किया ये भी था। वैसे ही होंगे, ये तो सभी करते हैं, एडवर्टाइज में ऐसे ही चलता है सब कुछ। तो मैंने आपका ना वो 99 वाला भी लिया था, एक जो वेबिनार होता है, वर्कशॉप फिर होता है मैंने, वो हाँ जी डेमो हाँ, का। मैंने वो देख के छोड़ दिया, मैंने बोला ये भी फंसा रहे हैं भाई, 8-9 हज़ार रुपया लेंगे और इस तरह से कर लेंगे, स्टार्टिंग में ऐसे ही फील होता है सर। तो फिर मैंने डिसीजन ले लिया, क्योंकि आपकी बहुत सारी बातें ना मुझे रियलिस्टिक लगी, तब मैंने वो 8-9 हज़ार वाला जो भी था आपका, मैंने वो लिया। और मैंने जब एक दो तो वीडियो देखी, मुझे समझ आ गया था कि यार ये टेक्निकल चीजें बता रहे हैं, ये असली चीजें बता रहे हैं, ऐसा नहीं है कि भी कैंपेन कैसे बनाते हैं, वो बड़ा इजी प्रोसेस है। मेन चीज है कैंपेन की स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, मार्केटिंग की स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, तो वो फॉर्मूला चीजें सीखने को स्ट्रैटेजी मिल रही थी। हाँ, कि कस्टमर को ढूंढना कैसे है। अब जैसे मेरी एकेडमी है सर, मैंने इसमें नॉर्मल क्लाइंट्स नहीं रखता, सारे हमारे पास इलीट क्लास में फाइंड करता हूँ, वो बराबर बराबर। इलीट क्लास मुझे फ्लायर से, बैनर से नहीं मिल सकता, तो वो मुझे मिलना था ऑनलाइन। तो आपकी बातों से मुझे ये लगा कि मैं अपना इलीट क्लास जो है वो वहां से ढूंढ पाऊंगा, तो वही हुआ सर मेरे लिए, वो चीज बहुत अच्छे से काम कर गई। बढ़िया बढ़िया। लेकिन ये अपने एक चीज देखो कि यहाँ पे एक निर्णय लेना बहुत जरूरी है, एक डिसीजन लेना बहुत जरूरी है कि बाबा मैं, मेरा प्रोडक्ट है, मेरा सर्विस है, मेरा स्किल है, मेरा सर्विस है, उसको बेचना, उसको मैक्सिमम लोगों तक तो पहुंचाना। मतलब आज के रेट के अंदर सोशल मीडिया है, गूगल है, यूट्यूब है, फेसबुक, इंस्टाग्राम है, आप कहो तो परफॉर्मेंस मार्केटिंग या ऑनलाइन मार्केटिंग बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, उसको आप इग्नोर करेंगे तो धंधा जो इनकम है, बैंक बैलेंस आपका इग्नोर हो जाएगा, फिर सीधी सीधी हाँ बात जी है। एंड अभी कहीं ना कहीं निर्णय लेना, बहुत सारे लोग अभी देखो व्यूअर्स देखते होंगे कि देखो गाइस मैं बोलूंगा कि आप 3 4 लोगों को ट्राई करेंगे तो एक सही बंदा मिलेगा, मैं नहीं बोल रहा कि मैं ही अकेला सही हूँ, कुछ आपको चढ़ उतार आएगा, प्लस माइनस वो एक लर्निंग जर्नी होता है, लाइफ लेसन होता है, लेकिन आपका जो मतलब जो सर्च मिशन है वो कभी रुक मतलब स्टॉप नहीं करना चाहिए, नेवर स्टॉप लर्निंग, कीप ट्राइंग कीप ट्राइंग कीप ट्राइंग। और 1 साल 2 साल आपको कितना लगता है, 1 साल का वो कितना का नुकसान हुआ 1 साल इग्नोर करने का? मतलब आपने बोला कि मैंने 1 साल आपको फॉलो ही कर रहा था, कुछ इम्प्लीमेंट नहीं किया, और कैसे सर अच्छा नुकसान हाँ, कितने का हुआ? नुकसान तो सर मुझे लगता है चार एक पांच साल दस लाख पहले कर का लेता तो मुझे 20-25 लाख का वो लॉस ही है, लगा लो। ठीक है, अभी आप रिकवर करेंगे। तो दोस्तों हाँ एक जी समय की भी एक वैल्यू होती है, एक डिसीजन हाँ भी जी टाइम पे लेना बहुत जरूरी है। तो बहुत सारे इश्यू फेस कर रहे थे, अभी यू आर ऑन द ट्रैक। मैं एक स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा सतीश जी, लाइक आई एम आस्किंग आस्किंग अबाउट स्पेसिफिक क्वेश्चन आई वॉन्ट टू आस्क। करंटली आप आपके बिजनेस के अंदर लाइक एक फ्लो में, एक थोड़ा फ्लो समझना चाहता हूँ कि एक छोटा बिजनेस आपके हिसाब से लाइक हाउ, मतलब आप डिजिटल मार्केटिंग का बैकग्राउंड है आपका, आप नॉन टेक्निकल हैं, या फिर आपने बस सब कुछ खुद सीख के खुद एडवर्टाइजिंग रन कर रहे हो, और व्हाट काइंड ऑफ मतलब वो कंटेंट कैसे बना रहे हो, कौन से टाइप के कैंपेन लगा रहे हो, मंथली बजट कितना लगा रहे हो, आपकी थोड़ी बहुत सेल प्रोसेस क्या है, थोड़ा सा मैं उसके ऊपर थोड़ा सा फ्लैश लाइट डालना है आपको, और आपने खुद ने कितना चार्ज लिया वो भी हम जानना चाहते हैं। सर देखो, मेरे को नॉलेज तो बहुत, हमारा यूट्यूब चैनल है, 3,48,000 के आसपास हमारा सब्सक्राइबर भी। एक्सलेंट। हाँ, तो मैं ये सारा कुछ संभाल लेता हूँ। मैंने 2017 में भी थोड़ी सी कैंपेन वैसे यूट्यूब से देख देख के बनाई थी, तो फेसबुक पेज लाइक के लिए वो काफी अच्छा काम कर रहा था उस टाइम, उसमें तो थोड़ा सा नॉलेज मुझे था, तो पूरा नहीं पता था पिक्सल कोड कैसे लगाना, ये सब कुछ कैसे लगाना, वो आपसे सीखा मैंने यहाँ पे सारा। तो हमारे पास में वेबसाइट की टीम भी है, मैं उनसे, वो डेवलपर है, उनसे करवा लेता हूँ सारा काम। ओके, तो ये सारी चीजें मैंने की थी। तो तो करंटली मेरा सवाल ये था आपको कि करंटली आपके कैंपेन कौन रन करता है, सर मैं ही करता हूँ, आप खुद रन करते हैं, यस सर, खुद ही कितना सीख बजट, रहा हूँ मैं। व्हाट काइंड ऑफ कैंपेन, कौन से टाइप के, लीड जनरेशन, मैसेजिंग, हाँ जी, कॉलिंग, कौन से मैं टाइप के सर कैंपेन लगा मैं लीड जनरेशन कैंपेन रन करता हूँ, और लीड मुझे स्टार्टिंग में लगी कि बहुत ज्यादा कॉस्टली आ रही है, मेरी लीड 200 या 250 या ऐसे चल रही थी, फिर 150 पे भी आई, लेकिन जब मैं रेवेन्यू को समझता हूँ सब कुछ, तो ये मेरे लिए बहुत छोटी थी ये चीज, मतलब रिटर्न अच्छा था। रिटर्न बहुत अच्छा है, क्योंकि स्टार्टिंग में ऐसे लगता है जब हम दूसरों की ऐड देख रहे थे कि भी 7 रुपीज में आ रही है, 5 रुपीज में, तो मुझे लगा मेरी ज्यादा आ रही है, लेकिन जब मैंने उसको कैलकुलेट किया अपने प्रॉफिट से, तो
तो मेरे लिए बिल्कुल जीरो ही रही वो। मतलब कम में लगा। अब देखो सीधी सीधी बात है दोस्तों, व्यूवर्स होते हैं बहुत सारे, दे आर लुकिंग फॉर की चीप, सस्ता और इजी। देखो हाँ जी हमेशा वो प्रॉफिटेबल नहीं, किसी के लिए बिजनेस टू बिजनेस। अभी आपका बिजनेस सिटी में चलता है, लोकल एरिया में चलता है, लिमिटेशन है उसका। हो सकता है कि वो जो लीड कॉस्ट, वो आपका मतलब वो जो कॉस्ट जस्टिफाई करता है कि आपका रिटर्न अच्छा है। फॉर एग्जाम्पल आपको 200 का है लेकिन आप 2,000 कमा रहे हो उससे, फॉर एग्जाम्पल, तो इट्स वर्थ फॉर यू, राइट। लेकिन हाँ आप जी 5 रुपये आ रहा है उससे आपको 50 रुपये भी नहीं आ रहा है, तो क्या मतलब है फिर, हाँ बराबर कि जी नहीं। हाँ तो बिजनेस टू बिजनेस, इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री, प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट कॉस्ट अलग हो सकती है। डो नॉट जस्ट ऑन द डो नॉट डिपेंड ऑन ओनली जस्ट चिप कॉस्ट इज ऑल्सो। आपको रिटर्न देखना चाहिए, ROAS देखना चाहिए, रिटर्न ऑन एडवर्टाइजिंग स्पेंड देखना, विच इज गुड फॉर यू। तो कॉस्ट डजेंट मैटर, राइट। तो ओवरऑल आप लीड आने के बाद, लाइक आई एम टेकिंग, बहुत सारे लोग मार्केटिंग भी करते हैं, लेकिन व्हाट हैपन विद द लीड? आप कुछ आपकी सेल्स प्रोसेस कैसी है? आपको क्या लगता है कि व्हाट इज द यूनिक पॉइंट यू हैव गाइस, की लीड आते हैं लेकिन सेल्स कन्वर्ट करना, फॉलो अप करना, व्हाट आर द टूल्स यू आर यूजिंग, क्या क्या आप कर रहे हो, क्या प्रोसेस यूज कर रहे हो, वो भी थोड़ा जानना चाहते हो। कितना इंपॉर्टेंस है फॉलो अप का, सेल्स का भी? हाँ जी हाँ सर, देखो सबसे बड़ी बात है लीड तो आ जाएगी, आप आपकी वीडियोस देखेंगे लीड निकाल लेंगे, लेकिन सबसे बड़ी बात है जो पीछे बैठी हुई टीम है वो उन कस्टमर्स को कैसे हैंडल करती है सर, सबसे बड़ी ये प्रॉब्लम है। स्टार्टिंग में हमसे भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स होगी, हम कॉल कर रहे हैं लोग हमें जवाब नहीं दे रहे और हमारे पास विजिट क्लास पे नहीं आ रहे हैं, हमारी अपॉइंटमेंट नहीं फिक्स हो रही है, बहुत सारी चीजें थी। फिर हमने अपनी उस टीम के ऊपर में काम किया, उन्हें कॉलिंग भी सिखाया, बहुत सारी चीजें की। अगर पीछे का सर सिस्टम सही नहीं है तो उस लीड्स फेल होने के बहुत ज्यादा चांसेस है, हमने बहुत सारे बिजनेस इस वजह से गवाया है। मतलब आपके बिजनेस के अंदर अट्रैक्शन, मार्केटिंग, नर्चरिंग, सेल्स एंड फॉलो अप, ये बहुत चारों चीजें इंपॉर्टेंट बहुत जरूरी है। मैं लोगों को है, बताता बहुत हूँ, लोग बोलते क्या फेसबुक ऐड मान ली, अरे नहीं भाई, वो 10% है, 90% और काम होता जरूरी। है, हाँ जी हाँ, बराबर कि मुझे नहीं। यही तो लगता है यू आर फॉलोइंग दैट प्रोसेस ऑल्सो, यस सर। मतलब बैकएंड पे सेल्स टीम है, आप खुद भी देखते हो बहुत सारे क्लोजिंग से, हाँ जी अपॉइंटमेंट से, नर्चरिंग के फॉलोअप। याद रखो दोस्तों, ये तीनों चारों चीजें अलाइनमेंट होने के साथ में होनी चाहिए, तब जाके रिजल्ट मिलता है। मैं बेसिकली आपको एक स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ सतीश जी, जो हमारे व्यूवर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। एज पर आपके अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंगली, आपके आपने ऑफलाइन भी बहुत साल बिजनेस किया है पहले, राइट, बहुत सारी चीजें। तो बेस्ड ऑन योर एक्सपीरियंस, आपके एक्सपीरियंस आजू बाजू में आप देखते रहते हो, व्हाट डू यू थिंक, व्हाट इज द बिगेस्ट मिस्टेक यू हैव डन? आपको लगता है कि बिगेस्ट मिस्टेक मैंने ये की, शायद मुझे 10 साल पहले पता होती तो मैं यार बिजनेस अलग लेवल पे होता। हाँ सर, वही मैंने बताया ना आपको, 2017 में मैंने फेसबुक को ट्राई किया था और मुझे फेसबुक लाइक बहुत अच्छे से मिल रहे थे, मुझे पता लग गया था इसमें पावर बहुत ज्यादा है, लेकिन मैं डिसीजन नहीं ले पाया, मुझे डर लग रहा था कि कैसे करूंगा, क्योंकि एजेंसीज का तो हमें पहले से ही पता है वो नहीं काम करती है सर, ये मुझे बहुत पहले से पता है क्योंकि मैं ट्राई कर चुका था। तो कोई अच्छा कोच ना मिलने के कारण मैं लेट ही होता गया और बहुत टाइम से सर्चिंग कर रहा था सर, तभी आपकी एड मुझे दिखी, अदरवाइज तो फेसबुक ने एड दिखानी नहीं थी। तो आपके कहने का मतलब है कि एडॉप्शन टू द हाँ जी ऑनलाइन मार्केटिंग सिस्टम, हाँ जी, उसको टाइम पे करना चाहिए था। बिल्कुल टाइम पे करना चाहिए सर। आपने तो किया, अभी जो बात गई वो बात खत्म, लेकिन बहुत सारे यहाँ पे व्यूअर हो सकते हैं, हाँ जी हाँ लेकिन बहुत सारे लोग आते हैं, हमें जो यहाँ पे वो सीन हो, क्या होता है कि ऑफिस बना लिया, स्टाफ यस बना लिया, स्किल ले लिया, एंड सर, कोई कस्टमर फायदा नहीं है, कस्टमर का इंतजार कर रहे हैं, जब तक कस्टमर क्लाइंट नहीं आएगा आएगा, फायदा नहीं है सर। रेवेन्यू होगा, उसके बाद में ग्रो करेंगे। इस चक्कर में 90% से ज्यादा बिजनेस ओनर ताला लगाते हैं। सही बात है सर। मेरा सिंपल बताता हूँ, हमारे जो शॉप है फॉर एग्जाम्पल, हमारा ऑफलाइन भी काम चलता रहता है, तो वहां अच्छा पे मतलब 1 या 2 महीने में दुकान बंद हो जाएंगे। हमारा कंटिन्यू चल रहा है, हम मार्केटिंग करते हैं, 1 या 2 महीने में, 3 महीने में लोग बंद कर देते हैं, यस कस्टमर ही नहीं, एक जेब से कितना डालेंगे। तो दोस्तों पहले स्किल, प्रोडक्ट, सर्विस के साथ साथ जिसके पास जो भेजा है मार्केटिंग का इंटेलिजेंस, हाउ टू अट्रैक्ट, सोशल मीडिया को सही तरीके, टाइम पास तो हर कोई करता है, आप देखेंगे तो फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सअप, हर कोई लगा पड़ा हुआ इस डिवाइस के ऊपर, जिंदगी झंड हो चुकी है, बर्बाद हो चुकी है कुछ लोगों कोई की। फायदा नहीं है लेकिन सर। इसको मोनेटाइज कैसे करना है, धंधे के लिए, बिजनेस के लिए, स्किल के लिए कैसे यूज करना, लोग नहीं करते, वो टाइम पे करना चाहिए, राइट। बिल्कुल एंड व्हाट एडवाइस यू विल गिव, जो लोग, बहुत सारे लोग मतलब दे थिंक कि यार आई एम टॉकिंग अबाउट कि जब बिजनेस का आता है तो बहुत सारे लोग बोलते हैं मार्केटिंग का बजट है ही नहीं, मेरे पास पैसा ही नहीं, लेकिन 10 लाख रुपए, 15 लाख रुपए धंधे में, बिजनेस में लगाएंगे, लेकिन मार्केटिंग का बजट नहीं है, लर्निंग का बजट नहीं है, लर्निंग का टाइम नहीं, बिजी नहीं, हम लोग कर नहीं सकते। इनको इस क्वेश्चंस का, इन क्वेश्चंस का आप कैसे जवाब देंगे? सर, मैं तो यही जवाब देना चाहता हूँ कि आप जितना भी मर्जी पैसा लगा लें, अगर आपको सही तरीके से उसकी एडवरटाइज नहीं करनी आती तो कोई फायदा नहीं है।
और अपने बिजनेस को करने के लिए आपको एडवर्टाइजमेंट खुद सीखनी ही चाहिए। आप दूसरों के भरोसे रहेंगे, आपको वो रिजल्ट्स नहीं मिल पाएंगे जो आप लेना चाहते हैं बिजनेस से। मेरा जो मानना है वो ये है। और सबसे बड़ी बात सर, अपने क्लाइंट के माइंड में क्या चल रहा है, आपको सबसे पहले इस चीज को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। यू मीन टू से कि हर एंटरप्रेन्योर शुड बी इंटेलिजेंस, मतलब हर एंटरप्रेन्योर के दिमाग में मार्केटिंग इंटेलिजेंस, सेल्स इंटेलिजेंस, सोशल मीडिया इंटेलिजेंस होना ही चाहिए। भले आप टीम से करवा लो, भले आप आउटसोर्स करवा के करवा लो, लेकिन एडवर्टाइजमेंट आपको धंधे में ग्रो करना है, करोड़ों का रेवेन्यू करना है, लाखों का रेवेन्यू करना है, तो ये स्किल्स आपके पास होनी चाहिए, तब जाके बिजनेस को आप कन्वर्ट कर सकते हैं कैश फ्लो में। अच्छा, बराबर, सही बात है। यस सर, बिल्कुल यस तो आपको भी थोड़ा एक सवाल पूछना चाहूंगा, लाइक हाउ माई सिस्टम और कोचिंग हैज हेल्प, आपको लगता है हाउ माई सिस्टम और कोचिंग इज डिफरेंट एंड दैट इज हेल्पिंग और हेल्प यू? सर। मैंने औरों के भी, मैं यूट्यूब वीडियोस भी देखता रहता हूँ बहुत सारे, तो ऊपर ऊपर की बातें रहती है, अंदर का कुछ समझ नहीं आता, और सपोर्ट भी कोई नहीं है। जब मुझे, देखो आपका सिस्टम मैंने देखा, कुछ चीजें मुझे प्रॉब्लम आ रही थी, तो आपका एक ग्रुप है एक टेलीग्राम पे, मैं उसमें मैसेज करता था, तो वो सागर जी हैं और एक तो और भी हैं, उन लोगों ने बहुत हेल्प की है मुझे सब सारी चीजों को सॉल्व करने में। तो ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है सर। सिर्फ यूट्यूब के सहारे या थोड़ी बहुत नॉलेज इधर उधर से इकट्ठी करके कोई फायदा नहीं होगा, जब तक आपको कोई ऐसा इंसान ना मिले जो आपको सपोर्ट कर सके, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर सके, तब तक कोई फायदा नहीं है सर। हाँ स्पेसिफिक क्वेरी, मतलब वहां पे सपोर्ट सिस्टम जी होनी चाहिए, गाइडेंस, बिल्कुल सर, मेंटरशिप, रीच होनी चाहिए, वो हमारे इंटरनेट ट्रैफिक गूगल में हम देते ही वो देते हैं, मिल रहा इट्स है वेरी सर। इंपॉर्टेंट। ओनली नॉलेज से काम नहीं चलेगा, यूट्यूब, अरे भाई पूरी दुनियादारी पड़ी है वहां पे, लेकिन हमें रिजल्ट चाहिए, देन वी नीड सम सपोर्ट, मेंटरशिप, गाइडेंस, वो फॉर्मूला होना चाहिए। ओके तो आई थिंक दोस्तों मैं आपको पूछना चाहता हूँ, जो व्यूवर्स हमारे अभी देख रहे हैं यहाँ पे, दोस्तों मैं थोड़ा आपको एक सवाल पूछना चाहता हूँ। अकॉर्डिंग टू योर नॉलेज, आपके अंडरस्टैंडिंग, जब हम डिस्कस किया, व्हाट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम यू आर फेसिंग इन योर बिजनेस, आप कौन सा चैलेंज फेस कर रहे हो, या आपका पास एक्सपीरियंस, आपने क्या ट्राई किया, कौन से टाइप के मार्केटिंग आपने कुछ ना कुछ सोल्यूशन मार्केटिंग ट्राई किया कि नहीं किया, और ओके बिजनेस ग्रोथ को लेके, एडवर्टाइजिंग को लेके आपके सबसे बड़ा फ्रस्ट्रेशन क्या है या इश्यूज क्या है, थोड़ा बहुत आप कॉमेंट बॉक्स में डाल देना, आई विल चेक पर्सनली एंड रिप्लाई बैक टू ऑल योर कॉमेंट्स। थोड़ा हम डिस्कशन थोड़ा आगे बढ़ाते हैं, तो सतीश जी, लाइक व्हाट्स योर नेक्स्ट प्लान, नेक्स्ट 1 ईयर का क्या प्लान है, व्हाट्स योर रेवेन्यू गोल टारगेट, क्या क्या आप आगे इलेक्शन, व्हाट आर द नेक्स्ट प्लान फॉर नेक्स्ट 1 ईयर? सर मेरा नेक्स्ट प्लान है कि मैं थोड़ा स्टाफ भी बढ़ा रहा हूँ अपना, क्योंकि अब क्लाइंट आ रहा है तो लग रहा है कि बिजनेस को और भी बढ़ाना चाहिए, ब्रांचेस और भी खोलनी चाहिए मुझे। तो लेकिन कुछ मुझे प्रॉब्लम्स तो आ रही हैं। तो पहला गोल हाँ, आपका बिजनेस स्केलअप करना है, तो उसके लिए बिजनेस स्टाफ से स्केलअप। मार्केटिंग की बाकी सब हाँ चीजें जी करने करनी है बहुत सारी। बिल्कुल तो व्हाट्स सर। द रेवेन्यू टारगेट फॉर नेक्स्ट 1 ईयर, 2024-25? सर जो मेरा टारगेट है, मैं चाहता हूँ कि 10 लाख पर मंथ में कमाऊँ, फिलहाल मैं ये चाहता हूँ। हो सकता है, क्योंकि अपने पास जो रेन मेकर 1 करोड़ जो चैलेंज है वो आपके लिए ऑन है, अभी प्रॉफिट मेकर हॉल ऑफ फेम में रीच टक है, क्रॉस द 1 CR प्लस, वो इजी हो सकता है, जिसको 3 लाख करना पता है, 3.5 लाख वो 10 लाख कर सकता है, यू कैन टेक अच्छा ओवर द मार्केट, तो स्केल अप का है, उसके लिए बधाई, विल टॉक अबाउट दैट प्लान, कैसे करना है क्या है, अपकमिंग कॉल्स में हम डिस्कस करते रहेंगे। तो आप बिफोर आई गो अहेड एक सवाल पूछना चाहूंगा कि बेस्ड ऑन योर लाइफ, आपके बेस्ड ऑन योर लाइफ, आपका एक्सपीरियंस के हिसाब से, व्हाट आर द 3 वर्ड ऑफ विजडम, मतलब आपके 3 लाइफ लेसन आपको लगता है कि बहुत बड़ा इंपैक्ट हुआ है बिजनेस, पर्सनल और ग्रोथ के ऊपर, व्हाट इज द 3 वर्ड ऑफ विजडम जो लगता है कि आप फॉलो करते हो और आपके लाइफ के ऊपर इंपैक्ट हुआ है, जो एडवाइस आप बाकी लोगों को भी देना चाहिए? सर सबसे पहले तो देखो, मुझे लगता है कि सीखने का डिसिप्लिन बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर नहीं सीखेंगे तो कुछ भी नहीं होने वाला है सर। दूसरा, कॉन्टिन्यूसली उस पे इंप्लीमेंट करते रहे जो भी आप सीख रहे हैं सर, और ट्राई करते हुए पैसे की तरफ टेंशन ना लें कि मेरा इतना पैसा लग रहा है उतना लग रहा है। आपको रिसर्च में तो इन्वेस्ट करना ही पड़ेगा। एक बार अगर आपने रिसर्च कर ली, उसके बाद में आपका वो रिटर्न होना स्टार्ट हो जाएगा। मुझे जो लगता है, ये चीजें बड़ी ज्यादा इंपॉर्टेंट है सर। ओके, तो मतलब सीधी बात, डिसिप्लिन टू लर्निंग, आपको लाइफ लॉन्ग लर्नर रहना बहुत जरूरी है, यस सर, सीखोगे नहीं तो टिकोगे नहीं, हर हर चीज का स्किल, फाइनेंस, हेल्थ, वेल्थ, मनी, मार्केटिंग सीखना चाहिए रेगुलरली। यस सर, सेकेंड चीज जो है उसको इंप्लीमेंट करना, नॉलेज है पोटेंशियल पावर, जब तक इंप्लीमेंट नहीं करेंगे तो कुछ नहीं होगा, हर कोई बात धंधे की बात करता है, करोड़ों की बात करता है, बिलियन डॉलर की बात करता है, यूट्यूब पे जाके देखो हाउ टू बिकम बिलियनियर, जाओ टाइप करो ये बिलियनर, पर हम कब बनेंगे बिलियनर वो सोचो ना, कैसे बनेंगे, राइट? तो वो यस सर, मोटिवेशन के लिए ठीक है, लेकिन आपको इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। एंड थर्ड थिंग्स, जब आपका प्योर इंटेंशन है, प्रोडक्ट अच्छी है, सर्विस अच्छी है, आप इंप्लीमेंट कर रहे हो, डोंट थिंक अबाउट द आरओएस, वो पैसा मिलेगा, आप जब मार्केट में वैल्यू ऐड करते हो
तो आपको पैसा आने ही वाला है. ओके यस ओके ग्रेट. हाउ पीपल कैन कनेक्ट विथ यू? आपके सोशल मीडिया हैंडल्स, चंडीगढ़, नियर बाय सिटीज, ऑनलाइन ऑफलाइन, लोग आपसे कैसे कनेक्ट कर सकते हैं? आपकी सर्विसेज के बारे में, सॉल्यूशंस के बारे में पढ़ा था. जो सोशल मीडिया हैंडल्स, यूट्यूब चैनल भी आपका फ्री, राइट? हाँ जी यस सर। तो व्हाट इज दैट? सर मेरा यूट्यूब चैनल है, जैसे मैंने आपको बताया 3,48,000 के करीब सब्सक्राइबर है। हमारा जबरदस्त. फेसबुक पेज है सर यूनिवर्सल मार्शल आर्ट्स के नाम से, और हमारी वेबसाइट भी है universalmartialarts.in चंडीगढ़ में। तो इस तरह से लोग हमसे कनेक्ट करते हैं सर। और बढ़िया दोस्तों. दोस्तों जिनको फ्री सीखना है ऑल ओवर द इंडिया, उनका यूट्यूब चैनल जरूर चेक करें. दूसरी चीज, आप चंडीगढ़, पंजाब, नियर बाय सिटीज, शहर जहां से भी है आप, और आपको कुछ सलाह चाहिए, हेल्प चाहिए और सीखना है, तो डेफिनेटली चेकआउट दिस यूनिवर्सल एकेडमी एंड सतीश जी का काम, और आप सीख सकते हैं. दोस्तों आपको नेक्स्ट जर्नी के लिए सतीश जी बधाई हो. लेकिन जो व्यूअर देख रहे हैं दोस्तों, एक सवाल पूछना चाहता हूँ मैं. क्या आपके बिजनेस के अंदर भी फायर डालना चाहते हैं? रेवेन्यू, लीड, सेल्स, जो कैश इटिंग बिजनेस मनी मेकिंग में कन्वर्ट करना चाहते हैं, बिजनेस नहीं कुछ नया सीख के कुछ सर्विसेज और कुछ आइडियाज चालू करना चाहते हैं, तो प्लीज ये स्किल सीखो. सोशल मीडिया, ऑनलाइन मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग, एंड सही बंदे से जो लोग कर रहा है, किया है, वही उसी से सीखो. बिकॉज मैं देखता हूँ आजकल यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस बहुत कुछ है, और वहां पे ट्रेनर कौन है पता है? जिसको ना बिजनेस कभी पता है, ना उसने खानदान में कभी बिजनेस किया, वो सिखाता है डिजिटल मार्केटिंग, वो सिखाएगा बिजनेस कैसे करना. ये रियलिटी है दोस्तों. बिजनेस वालों से जिन्होंने किया, अभी देखो इस इंटरव्यू से आपने बहुत कुछ सीखा होगा, वो बिजनेस करते हैं, मैं बिजनेस करते हैं, रियल लाइफ लर्निंग सीखना बहुत जरूरी है. ऐसे कुछ सीखना चाहते हैं तो मैं आपको इन्वाइट करना चाहूंगा द इंटरनेट ट्रैफिक गुरुकुल कम्युनिटी. लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, आप चेकआउट, अपकमिंग माई वेबिनार जरूर चेक कर लेना. और आपने अटेंड किया है, तो जैसे इन्होंने 1 साल कहीं ना कहीं डिले किया था, डिले ना करें, डिले शायद ज्यादा नुकसान हो सकता है. आज आपकी जर्नी चालू करें, टॉक टू माय टीम, डिस्कस कॉल, व्हाट्सएप, जहां पे भी पिंग करो, ईमेल करो, आज आपकी जर्नी चालू करें. एंड ऑल्सो इनकेस आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, हिट द सब्सक्राइब बटन, और आपका कोई बिजनेस पार्टनर दोस्त है उनके साथ भी शेयर कर देना. थैंक यू वेरी मच सतीश जी, धन्यवाद फॉर बीइंग हियर, थैंक आई रियली अप्रिशिएट योर टाइम. एंड दोस्तों जय हिंद, साइनिंग ऑफ टुडे. मिलते हैं अपकमिंग अमेजिंग इंटरव्यू के अंदर. आई वॉन्ट टू सी यू देयर इन द हॉल ऑफ फेम. आपको भी ऐसा इंटरव्यू लेना चाहता हूँ, इफ यू वॉन्ट टू ग्रो टुगेदर. थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद. थैंक यू मैम।